पूरव भाई, जैसे इसका नाम है इश्क नेक्स्ट डोर, तो कभी पूरव जागो इश्क नेक्स्ट डोर हुआ है? एक ना मतलब बीच में कंट्रोवर्सी चली थी आपकी कि हर्ष बेनीवाल के साथ आपका लड़ाई वड़ाई हो गई है, छोड़ दिया है। मैं नॉर्वे जाने के लिए रेडी था एलविश भाई, पर बिग बॉस में बिना बताए बताओ यार, ये तो गलत बात है ना, उनका आप सिस्टम है। एक बार उनकी एक्टिंग थोड़ी सी एक दो डायलॉग बोल के दिखा दो उनके स्टाइल में। क्या जानना है तेरे को, क्या पाड़ लिया तूने ये सब करके, कुछ तो करना पाता तू, तेरे बस की कुछ ना है, तू कुछ नहीं कर पाया, एक बार तू घर से बाहर निकल, पकता मिलेगा तू मेरे, सही बता रहा हूँ, तेरा सिस्टम है बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बताओगे नहीं लेकिन पूरव झा की यूट्यूब इनकम कितनी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ न्यूज़ एक्स, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी ज्यादा खास हैं क्योंकि आप उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स की वजह से जानते हो, और यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वो इतने बड़े सेंसेशन है कि उनको इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि जो जिसकी कीमत आपको याद रह जाए या जिसका आपको सिर्फ कॉस्ट याद रह जाए उसको हम कहते हैं परफॉर्मर, या उसको हम कहते हैं एक अदाकार, लेकिन जिसका आपको किरदार याद रह जाए या जिसका कला आर्ट जो है वो आपको याद रह जाए, जिसकी कला आपके दिल में बस जाए, उसको हम कहते हैं कलाकार। और ऐसे कलाकार हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है छुट्टन यानी के पूरव झा। तो पूरव भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पे। हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके, आप कैसे हो अंकित भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई, आपको देखिए अच्छा हो गया, मतलब एक एज अ फैन, एक फैन मूवमेंट भी था क्योंकि आप पहले से आपकी वीडियोस देख रहे हैं 2018-19 से उस टाइम का, और अब वो फाइनली मिल रहे हैं आपसे तो एक काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो पूरा भाई सबसे पहले आपकी वेब सीरीज आई है हाल फिलहाल में इश्क नेक्स्ट डोर, और काफी बेहतरीन वेब सीरीज है। अब मैं पहले अपना रिव्यू थोड़ा सा दे दूंगा फिर आपसे पूछता हूँ कि बिल्कुल उसमें उसमें एक सस्पेंस भी हुआ मेरे साथ कि मतलब जब मैं उस ऑन किया मैंने देखना तो मैंने अपने बड़े भाई के साथ ही देखी वो पूरी वेब सीरीज। फिर तो पिटाई हुई होगी आपकी। हाँ पिटाई तो हुई, और जब हम मतलब कुछ भी सीन आ रहा था मैं ऐसे देख रहा था वो मुझे ऐसे देख रहे थे, वैसा वाला आई कॉन्टेक्ट, तो मतलब मैं रिलेटेबल हाँ, होगा वो। तो वो पहले वाला मैं अगर रिव्यू देता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ मैंने 12 बजे शुरू की थी देखना रात को, और सुबह 6 बजे तक मैं वही देखता रहा, और एक साथ हमने पूरी वो खत्म की, और बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है, और जो भी मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा नहीं कि हाई स्केल, ये वो बिल्कुल नॉर्मल रोम कॉम कॉमेडी है, उसमें रोमांस भी है, खट्टी मीठी कहानी है, ब्रो कोड भी है, भाईचारे का रिश्ता भी है, मतलब एक लव ट्रायंगल भी है, तो ओवरऑल फैमिली एंटरटेनर फिल्म है और सब उसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। यस भाई, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ क्लीन शो, मतलब घर वालों के साथ देखो, बैठ के देखो, ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत रिलेटेबल सीन्स हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक सीन है, मतलब सबको रिलेट, सब रिलेट कर पाएंगे उसको। जो पूरा भाई अब मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे यस पहले आपके पास जो स्क्रिप्ट आई तो आपका क्या पहले आपको स्टक हुआ, एक तो क्योंकि वो जो आपको छुट्टन वाला रोल था मेरे को लगता है बना ही आपके लिए था, और कोई उसमें फिट आ ही नहीं सकता था। एग्जैक्टली भाई, मेरे को जब स्क्रिप्ट आई और मैंने अखिलेश भाई से बात की, जो हमारे डायरेक्टर हैं अखिलेश सर, तो हाँ मैंने कहा सर ये लिखी गई मेरे ऊपर ही है क्या, ये तो सारी चीजें हो रखी है मेरे साथ, मतलब ये मैं इसी जिंदगी में जी रहा हूँ, ये वाला सीन है, तो मैंने कहा इसमें तो मेरे को एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मेथड निकलेगा जो भी है इसमें। तो मेरे पहले स्क्रिप्ट देख के मेरा रिएक्शन ये था यार, मैं ही बनाऊ, मैं ही करूंगा इसको, मैं ही करूंगा। तो पूरे भाई मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी आपके साथ आपके को एक्ट्रेस थे या को एक्ट्रेस थी तो किस तरह का आपका वो भाईचारा था, या किस तरह का उनके साथ मजा आया, किस मतलब क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हम अपने से बड़ों से भी सीखते हैं और अपने के जो साथ वाले होते हैं उनसे भी सीखते हैं, तो क्या कुछ नया एक्सपीरियंस मिला आपको उनके साथ सीखने के लिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में पहले भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी। भाई ये लोग बहुत पहले से शोज वगैरह कर रहे हैं और इन लोगों ने काफी थिएटर किया हुआ, मैंने जेन्युइनली थिएटर नहीं किया हुआ, हाँ तो मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। एक्टिंग इज नॉट लाइक कि बस आप वहां जाओ और ये कुछ कर दिया, उधर मतलब इनको देख के पता चला इट्स अ प्रॉपर आर्ट जिसको तुम्हें टाइम देना होता है, तुम्हारे पास पॉजेज हैं, पॉजेज के साथ खेलो, आसपास का एनवायरनमेंट है उस, मतलब छोटी छोटी चीजों से तुम कैसे खेल सकते हो, सिर्फ ये नहीं कि तुमने जाके परफॉर्म कर दिया, ये नहीं, मतलब पूरा उस सेट से कनेक्ट होना पड़ता है, ये सब चीजें मैंने सीखी इनके साथ, खासकर जो अभय महाजन है हमारे जो बड़े भाई हैं, इज हाँ वेरी देव भैया, ब्रिलियंट एक्टर, और वो बहुत पहले से कर रहे हैं एक्टिंग इंडस्ट्री में, बहुत पहले से है, मराठी मूवीज उन्होंने बहुत सारी करी हुई है, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, नताशा से बहुत कुछ हाँ सीखने को मिला, बिल्कुल अश्विन हो गया जो हमारा कैरेक्टर है, ये मृणाल दत्त, ये लोग बहुत बहुत मृणाल, अच्छे हाँ एक्टर हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार रहा, फर्स्ट टाइम के हिसाब से मजा आ गया मेरे को तो। तो पूरव भाई जैसे इसका नाम है इश्क नेक्स्ट डोर, तो कभी पूरव जागो इश्क नेक्स्ट डोर हुआ है? यार पता है पूरव झा ना इश्क नेक्स्ट डोर जो डोर है
पूरब झा भी उस डोर पे खड़ा है, ही इज जस्ट नॉकिंग, उसको नहीं पता कि डोर के उस पार क्या होने वाला है, पर मैं खड़ा जरूर हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि जरूर हो मेरे अच्छा साथ कुछ अच्छा, और पता नहीं क्या वो, या तो बम फटेगा या तो कोई फूल खिलेंगे, कुछ नहीं पता, तो आई एम हाँ, ऑन आर द एफ आर है। स्पॉट। तो पूरे यस भाई मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मैसिव रिस्पांस आ रहा है, ह्यूमंगस सक्सेस जो है इसको मिली है, और आईएमडीबी पे भी काफी अच्छी इसकी रेटिंग है, यस तो भाई, कैसा लग रहा है? भाई मैं सच बताऊं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इतने टेक्स्ट आए लोगों से कि भाई हमने तो बस यूट्यूब पे आपको हंसते 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 ऐसे करते उछलते कूदते देखा, लेकिन इधर देखी हमने आपकी एक्टिंग, मतलब इसमें एक मेरा इमोशनल सीन भी है, तो सबने कहा भाई आप ना प्लीज आप ना हंसा करो, आप रोया मत करो, आपको रोते हुए नहीं देख सकते हम, हमें नहीं अच्छा लग रहा आपको रोते हुए, तो मतलब लोग बहुत कनेक्ट हुए देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इमोशनल हो रहे हैं मेरा सीन देख के, यानी मैंने थोड़ा सा तो अच्छा किया है कि लोग इतना कनेक्ट नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो भाई, मेरे वो को तो बहुत वर्ड ऑफ अच्छा माउथ लगा वो भाई। काम कर रहा है आपके लिए। एग्जैक्टली भाई, तो अब यही है तो कि आगे नहीं आगे अब आगे के लिए कि और शोज मिले, काम करें और दिखाएं, मैं कुछ और भी ट्राई करना चाहता हूँ, लाइक कुछ साइको, कुछ विलन टाइप का भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हीरोइक भी करना चाहता हूँ, तो अब मेरा जो एक्टिंग वाला जोन है ना वो और खुल रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस मिल रहा बिल्कुल है कि हाँ मैं कर सकता, तो ये नहीं है। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप अलग अलग किरदार प्ले करें, हमें हर एक आपका जो शेड्स है वो देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, थैंक यू भाई। पूरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ना इसमें एक आपका सीन था जिसमें कि आप फेल हो जाते हो, तो उसमें फिर आपको भाई भी बोलते हैं देव भाई, फिर मम्मी भी बोलती है, और वो जो आपका दोस्त होता है छोटा, वो भी कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, साथ वाली क्लास में आ गया अब तो, पर मैं फिर भी हाँ आपको भैया ही बोलूंगा, हाँ तो वो वाला सीन। तो अभी असल लाइफ में कभी फेल हुए हो, क्योंकि आपने बंक मार के तो बहुत सारे आप जाते थे हर्ष भाई के पास। यार मैं फेल तो नहीं हुआ, मतलब मैंने एक बार, मतलब ये जो 11th क्लास का टाइम था, मतलब वो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, तो उसमें मैं हो हाँ गया था यार, मतलब एक सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लग जाता वो हो गया था, बट वो भी फिर मैंने मतलब क्लियर कर लिया था दोबारा रिटेस्ट देके, तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ, बट हाँ मेरे को वो पता था कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हुए हैं, तो मैंने वो फील किया हुआ है, मतलब मैं लक्ष्मण था अपने दोस्तों का, मेरे हाँ दोस्तों अच्छा का, फिर मैं कहता था कि अरे टेंशन मतलब हो जाएगा, तो वो वाली चीज ना मेरे को पता थी कि हाँ यहाँ पे ऐसा होता है यार, तो इसको इस तरीके से प्ले करना है, तो एक्सपीरियंस तो किया है बट दोस्तों के साथ किया है। अच्छा बिल्कुल। पूरे यस भाई सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहूंगा, एक तो पहले नए घर के लिए और नई गाड़ी के लिए, अरे इमर थैंक्स। उमर आ गई है, तो अभी ठीक है, कौन? वो ठीक है इमर? अरे ठीक है यार, मतलब थोड़ी उसकी ना क्या है कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, और मैं हूं ना हाँ थोड़ा बच्चा, एक्साइटेड रहता हूँ इधर उधर ऐसे ऐसे भगाने के लिए, तो वो गांव घूम ग्राउंड में बाढ़ क्लियरेंस दी से बट तुमने। बट बट बट, लेकिन अब ऐसा है कि मैं अपनी दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ, उसको मैंने अब कभी कभार निकालता हूँ कि हाँ कहीं फंक्शन में जाना हो या किसी पार्टी में जाना हो तो वो अपना निकाली, वरना मैं नेक्सॉन ही चला रहा हूँ, जो मेरी पहली गाड़ी थी अपनी, मैं वही चला रहा हूँ, ये वो बढ़िया बहुत पूरे भाई। बहुत तेज पीती है यार, बहुत तेज पीती हाँ है मेरी हाँ गाड़ी। हाँ अभी तो खर्चा भी है 2 लाख का उस पे। बहुत खर्चा है हाँ भाई, ले लो, लेना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसको पालने का है ना वो बहुत बेकार है भाई, वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग बिल्कुल बिल्कुल। पूरे भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं इंटरव्यूज ना, जब आप नए नए फेमस हुए थे यूट्यूब पे, थोड़ा है। बहुत आपको फेम मिला था, आपने कहा था कि मैं इंटरव्यूज तब दूंगा जब मुझे कुछ लगेगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है, कुछ मतलब कुछ बोल किया है, तो देख लो भाई मैं फैन हूँ आपका, देख लो। हाँ यार बहुत अच्छा, तुम इतना डिटेल में हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अब मेरे को लग रहा है हाँ मैं किसी से कर रहा हूँ जिसको पता है मेरे बारे में जो चीजें, हाँ तो तो हाँ यार ये आपने तो बोला मैंने था, बोला तो था। अब नया घर ले लिया, मम्मी भी खुश हैं, पापा भी खुश हैं, हाँ और मुंबई मुंबई जैसी माया नगरी में घर लिया है, और ऊपर से गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, घर वालों को अंकल जी को लोग प्रेज भी कर रहे होंगे कि हाँ भी आपका बेटा आगे निकल गया, तो लगता है बूम कर लिया कुछ माइलस्टोन, तो एक हिट कर लिया। भाई, अभी तो मैं सही बताऊं तो मैं ट्रैवल ही कर रहा हूं, बट अचीव करते हुए कर रहा हूं, ये नहीं कि बस चलते जा रहा हूं, कुछ कुछ अचीव करते हुए, बट मुझे अभी और चाहिए, वो कहते हैं ना अंदर का लालच भूख नहीं है। मरता कभी, लालच हाँ नहीं मरता, लेकिन लालच उस नहीं आर्ट को लेके है कि ये काम और बढ़ाना है मेरे को, काम और ज्यादा करना है, क्योंकि मैं काम करता रहूंगा ना चीजें अपने आप आती रहेंगी, पीछे बनती रहेंगी वो, तो काम का लालच जी और काम का पागलपन बढ़ चुका है मेरे लिए, और मैं जल्द ही बड़े स्क्रीन पे दिखूंगा, मेरे को ऐसा लगता है, तो नहीं लेट्स नहीं सी, बिल्कुल, होप हमारी फॉरवर्ड। तो फिंगर क्रॉस, हम तो प्रेयर करते हैं माता रानी से जल्दी पहुंच जाओ बड़ी स्क्रीन पे।
मैं पूछना चाहूंगा पूरा भाई, जो डायरेक्टर साहब थे और जो प्रोड्यूसर थे या जो राइटर थे, उनका कितना सपोर्ट था? क्योंकि आप सबसे छोटे भी हैं अगर पूरी सीरीज में देखा जाए तो, मतलब जितने भी स्टार्स हैं मेन, तो उनसे कितना ज्यादा सपोर्ट था? क्योंकि अब होता है ना कि आपको उतना, आपने थिएटर नहीं कर रखा उतना, आपको एक्सपोजर उतना नहीं है जितना बाकी को था, तो किस तरह का सपोर्ट रहा? भाई अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं अखिलेश भाई की, तो यार उन्होंने हाँ हमें बस, बहुत हाँ सपोर्ट किया। लाइक उन्होंने भी हमारी पहले वीडियोस वगैरह देखी हुई थी, तो उनको कहीं ना कहीं लगा ना कि भाई तेरे अंदर ना पोटेंशियल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और अभी तक तू सिर्फ यूट्यूब पे था, बट तू एक बार इधर आ, मैं निकाल सकता हूँ, तेरे अंदर है वो चीज। और उन्होंने वो चीज हाँ करवाई मेरे को, क्योंकि ना क्या था कि डे वन जब था, मैं शूट पे गया था, तो मैं ये यूट्यूब वाला ही एक्ट कर रहा था। यूट्यूब पे तुम्हें पता है कि टाइम स्टैम्प कम है, 3 घंटे का तुम्हें 30 मिनट में दिखाना है, तो 30 मिनट में ना वही वो चीजें कम हो जाती है, तुम्हें एक्ट हाँ उतना ही फास्ट करना है, तो उसमें इमोशन बहुत सी चीजें ना किल हो जाती है और दिखा नहीं पाते तुम। तो फर्स्ट डे जब मेरा सेट पे था ना, तो मैंने वैसे ही कर दिया। सर कह रहे हैं नहीं, पूरा ये नहीं चाहिए, तेरे पास टाइम है, भाग मत, आराम से कर। फिर उन्होंने कहा कि ये, फिर वैनिटी में मेरे को प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई, चीजें करवाई, फिर मैंने किया। कह रहे हैं हाँ ये चाहिए, ये है तेरे अंदर, मेरे को पता है तू कर लेगा, अब तू ये कर। उसके बाद फिर मैंने, फिर वो सेट के माहौल में मैं ढल गया। फिर मैंने पूरे जो 10-15 से 17 दिन मेरा वो था एक्ट करा, फिर मैंने सारे दिन वही किया। और सर का काफी सपोर्ट था, सर हमेशा एक एक फ्रेम कुछ एक भी शॉट देता था ना, मैं पूछता था सर सही था ना, सर सही था ना, वो कहते थे हाँ हाँ भाई तू कर रहा, तू आ चुका है, तू अब घुल चुका है इस वाले में। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल गुरु भाई, हूँ केल जेसी का हो या कैंपस डायरीज हो, जितना भी आपको रोल मिला आपने उसको बखूबी निभाया। और मैं तो एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि हाँ मैनिफेस्ट भी करे नारे करे मेहनता, तो हाँ ये एक लाइन होगी आपके लिए, अगर आप मतलब समझ थैंक लोगे अगर यू, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ थैंक तो एक ना मतलब बीच में कंट्रोवर्सी चली थी आपकी कि हर्ष यू। बेनीवाल के साथ आप लड़ाई वड़ाई हो गई है, छोड़ दिया है, फेम पाते ही पूरा वजह बदल गया, ये हुआ है, तो आपने बेस उसको क्लियर किया, लेकिन जो जिनको अभी भी समझ नहीं आया थोड़ा सा उनको आप क्लियर कीजिए कि क्या मुद्दा क्या है, क्योंकि चेकमेट में भी आप दिखाई नहीं दिए। लोग पता है, लोगों को ना मसाला चाहिए होता है कि हाँ कोई क्यों नहीं है, कोई क्या कर रहा है। यार मेरा ना स्टार्टिंग से पर्पस ये था कि मेरे को सिर्फ यूट्यूब नहीं करना, मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम ना एक जरिया है उस बड़े स्क्रीन तक पहुंचने का, ठीक है? तो मैं उधर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहा हूँ, पर मैं ज्यादा टाइम, अब जैसे मेरे को पहला शो मिला, तो अब मैं ना थोड़ा और ध्यान दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा शोज पे जाऊं, मैं इधर उधर थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, बैठ बिल्कुल रहा हूँ डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ, तो मैं राइटर्स वगैरह इन सबके साथ बैठता हूँ, तो थोड़ा उधर मैं यूट्यूब को थोड़ा कम टाइम दे रहा हूँ, ये वाला सीन है। तो लोगों को ये लग रहा है कि यार ये तो अब है नहीं, ये क्या हो गया, हर्ष के साथ क्यों नहीं है, कुछ कह दिया होगा, या इसने कुछ कर दिया, इसमें एटीट्यूड आ गया, इसमें घमंड आ गया, बड़ा हो रहा है, तो अब उसको लग रहा है कि अब मैं नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, हम मतलब हम अपना भी तो देखेंगे ना, कि हमें जो मेरा ड्रीम है, मेरे हाँ को वो भी तो बिल्कुल फेस करना ही है ना, तो उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। और बल्कि कल रात भी मैं अभी हर्ष भाई के साथ ही था, हम अभी अगली वीडियो की स्क्रिप्ट कर रहे हैं, उनका एक स्पूफ आ रहा है मे बी बिग बॉस के ऊपर बना रहे हैं, तो हम उसकी अगली स्क्रिप्ट पे भी बैठे हुए, कल रात भी मैं उन्हीं के साथ था, तो हम तो डिस्कस करके हंसते रहते हैं कि भाई लोग कैसे पागल है यार, लोग कुछ से कुछ बनाते रहते हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, जितनों को जवाब दोगे वो उतना और फिर हाँ बढ़ाते हाँ जाएंगे, बिल्कुल 10 चीजें निकालेंगे, तो हमने कहा कोई नहीं, लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा, हाँ अब अगली वीडियो में मैं रहूंगा वो देखेंगे। और हाँ लास्ट वाली वीडियो में मैं इसलिए नहीं था क्योंकि यार मैं बॉम्बे था उस टाइम, और मेरा हाँ शूट चल रहा था उसका अमेजोन प्राइम पे, हॉस्टल डे सीज़न 4 का, तो मैं इसलिए शूट पे था ही हाँ नहीं। अब लोगों को ये लगा यार ये क्यों नहीं है, इतनी बड़ी मूवी आई है हर्ष भाई की, पूरव झा क्यों नहीं है, स्टार्टिंग से रहता है पूरव झा, और हर्ष भाई की ये केमिस्ट्री है। मैंने कहा यार अब कैसे समझाऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, बट नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लोग कुछ तो फिर लोग मैं कहेंगे, जाऊंगा। लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली, कोई बात नहीं, ऑडियंस है हमारी प्यारी जनता, करने दो, हाँ मसाला लेने दो उनको। नहीं पूरे भाई, इसमें ना एक सीन था ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वो वाला सीन, मेरा स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हो गया मैडम हम तो जा रहे वो वाला सीन रियल लाइफ रिवेंज में कभी हुआ है? वो वाला सीन नहीं, रियल लाइफ में हुआ कभी? यार मैंने कहा तो मेरा प्यार को लेके ना एक्सपीरियंस बहुत कम रहा है सच्ची में। मैं ना वो दोस्तों वाला, लॉन्डो के साथ घूमने वाला ज्यादा बन रहा हूँ, कि मेरे दोस्त यार है ना, तो मैं उनमें ज्यादा खुश हूँ, मेरे को मौज मस्ती करने में ज्यादा मजा आता है। प्यार में मैं थोड़ा इमोशनल अगर हो जाऊंगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ मतलब, और अगर मैं घुस गया ना उस चीज में तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा है कि थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़े टाइम के बाद जरूर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम और करियर पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिला है,
इसके लिए बहुत कुछ घिसा है भाई, तो इसको थोड़ा संभालते हैं, उसके बाद पहले घिस ले उसके बाद सवर लेंगे, ये वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है अपना। तो पूरे भाई एक आपकी अभी रिसेंट स्पूफ से याद है, मुझे आपकी वीडियो देख रहा था कल बिग बॉस वाली, बढ़िया शानदार, लास्ट में ट्रॉफी आप ले जाते हो, बढ़िया वीडियो थी, काफी अच्छा था, काफी टाइम बाद आपने अच्छा मतलब कुछ लगा कि हाँ भी कुछ है। थैंक यू उससे भाई, पहले आ रही थैंक थी, यू। लेकिन जो जो ये लास्ट वाली वीडियो थी ना, ये ज्यादा मेरे को मजेदार लगी, उससे पहले भी आपने निकाली थी, लेकिन ये जो था ना, हाँ, मुझे पानी पिला दीजिए और वो ये सब, ये मतलब टॉप नॉच बढ़िया था थैंक यू मतलब। यार, हम तो ट्राई करते हैं हर बार कुछ बेटर दे। अब इसके बाद भी एक और है वीडियो, अब वो मैं बना रहा हूँ। अगर आपने कभी जीटीए की गेम खेली आपने बचपन में, हाँ, खेलिए हाँ, तो खेलिए। अभी मैं जीटीए का एक स्पूफ बना रहा हूँ, जीटीए एनसीआर करके, कि जीटीए वाइस सिटी, अच्छा जीटीए सैन एंड्रियास था ना, तो वैसी जीटीए हाँ एनसीआर, एक हरियाणा का बंदा है, उसको मिशन मिला हुआ है अपने पापा के थ्रू, और वो काली स्कॉर्पियो पाने के लिए ये मिशन कर रहा है सारा, अच्छा, तो वो भी बहुत फनी है, बहुत अच्छा, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं तो नहीं वो भी बिल्कुल, देखना भाई, जरूर मजा आएगा आपको। चलो बढ़िया, बहुत बहुत उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू पूरे भाई भाई। ये पूछ रहा हूँ मैं कि तैयारी होगी आपकी, किस चीज की? नॉर्वे जा रहे हो ना आप? अरे यार, मैं नॉर्वे जाने के लिए रेडी था एलविश भाई, पक गए बिग बॉस में बिना बताए, बताओ यार, ये तो गलत बात है ना, उनका वो सिस्टम है, हाँ करूंगा मैं, सिस्टम उनके हो घर गया। में घुस के जाएंगे हाँ भाई, मैं अभी यही बोल आएंगे तो रहा हम था, प्लान करेंगे, प्लान तो कर रहा हूँ कि कुछ क्रेजी ही करूं, नहीं अगर वॉक भी सच में करना हो। बाय रोड नॉर्वे। हाँ भाई, लोग लंदन जा रहे हैं यार, नॉर्वे नहीं भी हाँ, निकल मैं वो तो ठीक है, लेकिन दो दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं ये तो देखो। तभी तो मजा आएगा हाँ भाई, तभी तो फन होगा, तभी तो फन है। नहीं नहीं बढ़िया भाई, मैं तो शौक हो गया था सुन के, मैंने बोला, फिर मैंने बोला पूछूंगा जरूर, ये क्वेश्चन तो ऐड करूंगा। बिल्कुल भाई, नहीं भाई मैं ये एक मेरी भी शिकायत है, और मेरे कुछ दोस्तों जब मैंने उनको बताया पूरे भाई के साथ इंटरव्यू है, तो उनका भी है, मेरा दोस्त भी वो सेम करता रहता है, तो शॉन्टी पोपलू की जो आपने दोस्ती तोड़ी है और जो वो आ नहीं रही भाई वापस, वो कब आएगी? नेशन वांट्स टू नो। मुझे ऐसा लगता है कि शॉन्टी पोपलू अब सुपर सून आएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में, और हमने ये सोचा था यार, शॉन्टी पोपलू ना मतलब थोड़ा लो एफर्ट कंटेंट था, हमने सोचा यार कि हम यही करते रह जाएंगे अगर, तो ऐसा ना लगे कि लोग कहें कि यार ये तो यही कर करके बस निकल गए। मतलब एक होता है ना, मुझे एक और चीज से प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे, कि एक चीज जो एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर करता है ना, और उससे वो बूम होता है, तो वो बंदा ना वही करता रहता है, वही कंटेंट को हमेशा, वो पता है एक टाइम पे ना पब्लिक बोर हो जाती है एक सेम चीज देख देख बिल्कुल के, तो हमेशा ना नए नए वेरिएशन तुम्हें लाने चाहिए, धीरे धीरे चेंज करते रहो करते रहो। बट मुझे ये लगता है कि शॉन्टी बोबलू उन थोड़ा स्मार्ट कंटेंट भी था, तो उनको लाएंगे वापस, हमने इसीलिए नहीं हाँ, नहीं किया नहीं क्यों, बिल्कुल भाई, वो तो क्योंकि हम उस सदाबहार टाइम ना कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दे रहे थे, हम ये कह रहे थे जो हु किल्ड जेसिका जैसी वीडियोस बना रहे थे उस टाइम, हमने कहा यार ये करते हैं ना, ये सब तो ये बचकानी हरकते हैं यार, ऑडियंस को कुछ नया देते हैं, बट ठीक है, ऑडियंस को जब चाहिए ही कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले आएंगे, सुपर सून आ रहा है वो भी, शॉन्टी नहीं बोबलू। बिल्कुल, तो जितने भी फैंस हैं पूरे भाई के, हर्ष भाई के, तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है कि जल्दी शॉन्टी पोपलू की सीरीज भी वापस यस, आएगी। तो पूरे भाई थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, ठीक खेलो खेलो भाई, बिल्कुल है? तो पहला क्वेश्चन आपसे, मेल और फीमेल दोनों बताना, ठीक है आपको? ठीक फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। फेवरेट मेल। इंस्टाग्राम मेल भाई, हसलिंग राजन, मतलब मेरा एक फ्रेंड है राजन अरोड़ा करके, भाई बेस्ट हाँ, है वो, ही इज वेरी गुड। और फीमेल? और फीमेल में भाई मेरे को धरना एक लड़की है इंस्टाग्राम हाँ पे, वेरी हाँ अमेजिंग भाई, वो फेवरेट है अभी, करेंटली फेवरेट मेरी वो है। अच्छा, योर रिसेंट क्रश? रीसेंट क्रश यार, मैं ना उसको क्रश के मतलब, मेरे को एक्ट्रेस बहुत पसंद है, वैसे मैं क्रश की नजरों से तो नहीं कहूंगा, बट मेरे को अभी बहुत पसंद है रिधि दोगरा करके है, हाँ ओटीटी पे, मतलब हाँ वेरी अमेजिंग है यार, बहुत अच्छी है यार वो एक्ट्रेस, बहुत अच्छी है, तो उस पे थोड़ा सा आप बिल्कुल कह सकते हो कि मेरा क्रश बिल्कुल। है। फेवरेट स्ट्रीट फूड इन दिल्ली एनसीआर? मोमो यार, चिकन मोमो हाँ क्या और बात है, क्या। सेम सेम। जब पूरब जहाँ सैड या डिप्रेस होते हैं, तो पेरेंट्स के अलावा सबसे पहला कॉल किसको जाता है? मेरे मैनेजर को हिमांशु, कौन कौन? लाइक वो मेरा प्रॉपर हाँ मैनेजर ही अच्छा, नहीं है, ही इज लाइक माय फ्रेंड, तो वो ना मतलब मैं जब भी ऐसे थोड़ा डिप्रेस या कुछ भी होता हूँ, वो कहता है क्यों भाई 22 साल के हो आप, क्या कुछ कर लिया आपने, ये है वो है, वो मेरे को हर चीज गिनवाने लग जाता है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है
फिर तो ठीक है, कोई नहीं, चलो जो, वो कहता है कोई टेंशन मत लो भाई, मैं हूँ। चलो पूरे भाई, आप भाई तो वो हम सब हम भाई हो गए, भाई हो गए तो आप हाँ जान हो आजकल किसी के? जान, नहीं यार सही बताऊं तो अभी तो नहीं। ठीक है, एक ये ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पूरे भाई, मैं सबसे पूछता हूँ कि बिल्कुल। आपके आपकी लाइफ की मतलब अब तक की जर्नी की ऐसी मोमेंट जिसमें आपने बोला हो कि वाह 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 क्या लाइफ है। यार जनविन बताऊं तो जब मैंने घर लिया था तब मैंने बोला था पापा को, आह पापा क्या लाइफ है, क्योंकि पहले जिस कॉलोनी में रहते थे ना वहां बैलकनीज नहीं थी और ये नहीं था, तो बैलकनी में ऐसे खड़े हुए थे। अब मतलब ऐसे नहीं बोला वाह पापा क्या लाइफ है, पर मैंने कहा पापा हाँ अब मतलब मजा आ रहा है, अब आप आराम से हाँ अखबार पढ़ो बैलकनी में, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉफी आपको मिल जाएगी सुबह, काम करने वाले लोग आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रेस्ट करो चिल करो, बस वो टाइम था मेरे नहीं लिए बहुत अच्छा। नहीं पूरे भाई, थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा आपकी जर्नी को लेके भी है, क्योंकि मैंने आपका पूरा बायोग्राफी मैंने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से आपने यस छुपा के रखा था घर वालों से, आपके फादर टीचर थे और ट्यूशन उनके पास बच्चे पढ़ने आते थे, तो उस दौरान जब आपको पहली बार पैसे मिले यूट्यूब से अर्निंग, फिर आपने अपने पापा के हाथ में दी, यही यस स्टोरी है। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करेक्ट। पूछना चाहूंगा कि आपको रात को कभी बंदा ना नींद नहीं आती, कभी कभी 2 AM थॉट्स जिसको हम बोलते हैं, तो कभी कभी आप अपनी शुरुआत जो टाइम था और अब तक का टाइम, तो आप सोचते हो कि यार पूर्व यार तूने कुछ तो किया यार। भाई मैं जेन्युइन, अगर मैं 3 साल पहले ऐसे रात को अगर जैसे नींद नहीं आती थी ना, और तब मैं सोचता था, तब मेरे को ये लगता था यार हो पाएगा क्या कुछ, ये जब ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, मैंने कहा हाँ सही, यार पापा का सपना है कि इंजीनियर बनना है, उसमें भी मैं पूरा पुश नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी ये यूट्यूब वाला ये भी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, मतलब इतना तो कुछ फेम नहीं है, उस टाइम मेरे 6-7 हज़ार फॉलोअर थे मैक्स, मैंने कहा यार क्या होगा क्या होगा, तो उस टाइम बहुत टेंशन होती थी यार, बट धीरे धीरे करके फिर अच्छा लगा, और अब जो सोचता हूँ तो अब ऐसा लगता है कि कर लिया भाई कुछ तो कर लिया, मैं मतलब अगर मैं आज से 3 साल पहले खुद को देखू ना तो मैं स्कूटियों पे ऐसे हांडता था गलियों में दोस्तों के साथ, चार चार जने एक स्कूटी पे बैठे हुए हैं गली में और वो स्पीकर में गाने चला रखे हैं, हनी सिंह के गाने चल रहे हैं और घूम रहे हैं गलियों में, तो वहां से आज BMW के अंदर मैं बेस में गाने सुन रहा हूँ, तो लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ किया है, तो आई नहीं एम बिल्कुल ब्लेस्ड, भाई बिल्कुल, और अब इंसान नहीं नींद उड़ती, अब ऐसा लगता है कि हाँ अब जो चल रहा है कर लेंगे यार कर लेंगे, भगवान ने बहुत साथ दिया है आगे भी देंगे, और ऑडियंस भी साथ दे रही है वो भी देगी, तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा भाई, मुंबई में शूट करके कैसे लगा, मुंबई का जो आपका था? भाई। मुंबई ना बहुत सही बताऊं दिल्ली मुंबई में बहुत फर्क है भाई, मतलब मुंबई में आपके पास ये वो सोशल मीडिया और ये सब ना वो नहीं देखते इन्फ्लुएंसर और ये सब, वही वहां पे बहुत इज्जत नहीं है, फास्ट, वहां बहुत पे फास्ट है सिर्फ, वो। हाँ वहां पे सिर्फ आर्ट की वैल्यू है, अगर आपके पास आर्ट है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप आर्टिस्ट हो, आपको आपके चाहे 200 फॉलोअर हो लेकिन आपको सर पे बिठा के रखेंगे, ऐसा होता है, अगर आपके पास 4 मिलियन फॉलोअर है और आप आर्ट के नाम पे कुछ भी हग रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वो तो ना वो कोई इज्जत नहीं है वहां पे, तो मुंबई में ये चीज अच्छी है, और मुंबई का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है यार, मतलब वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों से, सब लोग काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है, यहाँ तो दिल्ली में तो ये है कि हाँ यार बना लिया पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे ये वो आने चाहिए आने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस चलता है एक टाइप से अगर देखा जाए यूट्यूब और इंस्टाग्राम को लेके, बट बॉम्बे में ना आर्ट की रिस्पेक्ट है और मैं आर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, मुझे तो नहीं वही बिल्कुल, चाहिए एट द एंड, तो यस बॉम्बे का एक्सपीरियंस काफी तो मजेदार था। पूरा भाई आपको 5 यूट्यूबर्स मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर कुछ भी कह लो, इनका नाम आपको बताऊंगा, आपको इनको एक हैशटैग देना है। ठीक है देना है ठीक हाँ, एक हैशटैग, है, ठीक है। सबसे पहले हम आपके मेरे सबके फेवरेट हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल, उनको अगर हैशटैग देना तो वही दे दो, अगर उनका जो हुक लाइन है समझ रहे हो समझ रहे हो? हाँ यस हैशटैग समझ रहे सौरभ जोशी, सरप्राइज गौरव जोन, गोबर #गोबर भुवन भुवन भाई, स्टार स्टार ब्रो इज लवली आशीष गाय आशीष
आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी। मार्वल हैशटैग मार्वल, वो मार्वल पे खत्म। मार्वल बहुत लास्ट भाई, में वो हम इंडिया का। हाँ लास्ट में हम सभी के फेवरेट राव साहब एलविश यादव। एक बार पूर्ण भाई, मैं आप मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार उनकी एक्टिंग थोड़ी सी एक दो डायलॉग बोल के दिखा दो उनके स्टाइल में। क्या जानना है तेरे को, क्या पाड़ लिया तूने ये सब करके? हैं, कुछ तो करना पाता तू, तेरे बस की कुछ ना है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार तू घर से बाहर निकल, भगता फिरेगा तू मेरे से। सही बता रहा हूँ, तेरा सिस्टम हैंग होगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये बॉलीवुड में अगर डेब्यू करोगे तो किस डायरेक्टर के साथ काम करने का मन है? ब्रो सपना तो वही है, अनुराग कश्यप चाहिए तो अपने हाँ को वही, बट ठीक है किसी के साथ भी कर लेंगे अभी तो। अगर लड़ाई हो जाए तो पूरा भाई सबसे पहले किसको कॉल लगाएंगे या किसको बुलाएंगे? लड़ाई हो जाए यार, मेरा फ्रेंड है अवि, वो इतना सा है पतला सा, पर वो पता है क्या करता है, वो आते ही ना सबसे पहले चांटा मारता है जिससे भी मेरी लड़ाई है, वो पूछता भी नहीं है किससे क्या, वो मारता है पहले थप्पड़, तो उसको बुलाऊंगा मैं सबसे पहले, वो एकदम फैसला कर देता है वहीं पे। ऐसी कंट्री जहां पे आप अभी तक गए नहीं और जाने का आपका मन है? भाई मेरा सही बताऊं तो मेरा अभी घूमने का मन है पेरिस, बहुत ज्यादा वहां मेरे को पेरिसियन वाइब बहुत पसंद है। मतलब मैंने दिल्ली में जितने कैफे और रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए ना, उनकी वाइब बहुत अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि पूरा पेरिस वाला अगर ऐसा हुआ तो कितना मजा आएगा घूमने में, एक्सप्लोर करने में। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि फेवरेट कंट्री जहां आप जाना चाहते हो, फेवरेट डेस्टिनेशन जहां अभी तक गए नहीं यार हो। मेरा डेस्टिनेशन, मेरा मन है पेरिस घूमने का, क्योंकि यार मैंने दिल्ली में, अब दिल्ली या बॉम्बे जितने अभी कैफेज में मैं गया ना, जो जहाँ पे पेरिसियन वाइब होती है, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं यार, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मेरे को बहुत पीसफुल लगता है वो देखने में। तो मैंने सोचा अगर रेस्टोरेंट ऐसे हैं और पूरा पेरिस ही ऐसा होगा तो वो घूमने में कितना मजा आएगा, तो मेरा मन है यार पेरिस बिल्कुल। घूमने एक बार, और मैं जाऊंगा और भाई जल्दी। लास्ट, अच्छा बिल्कुल भाई, वहां से व्लॉग बनाना। वहां से भी हर जगह से पैसे पूरे भाई निचोड़ूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो आप यस बताओगे नहीं लेकिन पूरब झा की यूट्यूब इनकम कितनी है? और पूरब झा की यूट्यूब ये इनकम मत है, बोलना कि हर महीने 4 आईफोन ले सकता हूँ, 10 आईफोन ले सकता नहीं हूँ, ये नहीं सब मत पूरब बोलना। झा की यूट्यूब इनकम है, इसको क्रैक कर लो, इसमें है पता, लग बता दिया मैंने, नहीं मैं इसे बता एग्जैक्ट एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, पूछ रहा, तो बता दिया। इसको डिकोड करना पड़ेगा। इसको डिकोड करो, इसमें पूरा करेक्ट एग्जैक्ट बताया मैंने। ठीक है, डिकोड करते हैं, अपनी टीम लगाते हैं, रिसर्च टीम एक बंदे की पूरी। डन है ब्रो। आप पूरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप कहाँ, बॉम्बे हो दिल्ली हो? मैं भी दिल्ली हूँ ब्रो, तो भाई आओ हमारे स्टूडियो पे, दर्शन दो हमारे साक्षात। बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल मिलते हैं, बैठेंगे चाय शाय हाँ पियेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल भाई, जरूर आना, आपके पास ही है हमारा स्टूडियो भी, मैं आपको बता दूंगा। कहाँ रहते हो आप? मैं तो नोएडा रहता हूँ ऐसे, लेकिन हमारा ऑफिस यहाँ पे कालका जी के पास है। डन है भाई, डन डन डन, हाँ मिलते हैं सुपर तो सुन। बहुत बहुत एक मतलब कहते हैं कि फैन मूवमेंट है, लेकिन बहुत अच्छा लगा पूरे भाई आपसे बात करके, और जेन्युइन भाई, एज अ मुझे फैन कह लो। अभी तक जितने इंटरव्यूज हुए ना, मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा, क्योंकि आप सब कुछ जान के आए हुए थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। नहीं मैं तो अभी और भी बातें करनी थी, लेकिन फिर मैम गुस्सा हो जाएगी, आशना मैम कहेंगी इतना लंबा हो गया, तो ये करके कोई मारेगा नहीं, पालक। बाकी बातें हम मिलके करेंगे, अंदर की हाँ बातें, हाँ कभी आना, बिल्कुल भाई कभी आना, बिल्कुल। कुछ दिखाऊंगा बिना कैमरे के, आना कुछ बिना दिखाऊंगा। कैमरे के उनके साथ भी कर रखा है मैंने, हनी क्या ब्रो? सहनी पाजी के साथ भी किया अभी रिसेंट। हाँ तो उन्होंने दिखाया कुछ बिना कैमरे का? ना 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 वो तो वैसे था, अभी करेंगे बाद में, अभी तो उस 3 महीने है। बाकी पूरे भाई मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि एक बार आप फैंस को अपील कर दो अपने, कि एक आप जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे माध्यम से आप उनको बोलना चाहते हो। बिल्कुल मेरी प्यारी जनता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये खुद का शो है इश्क नेक्स्ट डोर, आप लोग प्लीज देखें, बिंज वॉच करें और फैमिली के साथ देखें, तो ज्यादा मजा आएगा आपको, ज्यादा एंजॉय करोगे आप लोग, और प्लीज देखने के बाद मुझे जरूर डीएम करें कि मेरा काम कैसा लगा, बाकी लोगों का काम कैसा लगा, उनको भी डीएम करें।
बाकी वॉच इश्क नेक्स्ट डोर, वॉच इश्क नेक्स्ट डोर ऑन जियो सिनेमा स्ट्रीमिंग फ्री। लव यू गाइस। हाँ फ्री में स्ट्रीम हो रहा है दोस्तों, जाके देखिए जिसने अभी तक नहीं देखा। तो ये हमारे साथ थे पूरव झा एक्सक्लूसिव, और जल्दी हम एक और पॉडकास्ट भी शायद ला सकते हैं अगर बिल्कुल पूरव भाई आए तो डन भाई, बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। हाँ तो ये थे हमारे साथ पूरव झा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे प्यार दें, ऐसे हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों। यस ओके बाय बाय भाई गाइस, लव यू। और भाई एक एक ये बोल दो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, बस ये बोल दो। सॉरी कौन से न्यूज़? इंडिया न्यूज, इंडिया इंडिया। इंडिया। हाँ हाँ सो गाइस, आपको अगर ये जो हमारी कॉन्वर्जेशन हुई है, जो इंटरव्यू था, वो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों से शेयर करें। मेरी जर्नी भी बताई है मैंने, इस नेक्स्ट डोर के बारे में भी बताया, सारी एक्सपीरियंस बताया है, तो आप लोग देखें और चैनल इंडिया न्यूज इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लव यू। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू भाई।